इन टुडेज वीडियो आई विल लेट यू नो कि कैसे आप इंस्टेंटली अट्रैक्टिव एंड स्मार्ट दिख सकते हो, वो भी बिना किसी मेकअप के। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल शेप आवर आईब्राउज एंड ट्रस्ट मी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमारे पूरे फेस का शेप ही चेंज कर देता है ये सिंगल स्टेप। मेरी आईब्रोज में अभी ज्यादा ग्रोथ नहीं थी, इसीलिए मैं ये प्लकर से ही आईब्रो को शेप दूंगी। अदरवाइज मैं यूज करती हूँ वीट की वैक्स स्ट्रिप्स, उसको मैं अकॉर्डिंगली कट करके यूज करती हूँ। एंड इसमें मैंने एक वीडियो अपलोड किया हुआ है, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं कि मैं कैसे पूरा प्रोसेस करती हूँ। दोनों आईब्रोज को अच्छे से शेप देने के बाद मैं अप्लाई करती हूँ ब्राउ एंड लैश सीरम। जैसे हम अपने बालों में सीरम एंड ऑयल्स अप्लाई करते हैं, वैसे ही हमें ब्राउज एंड लैशेस को भी प्रायोरिटाइज करना चाहिए। इस सीरम को यूज करने से हमारे जो लैश एंड ब्राउज होते हैं वो थिक एंड वॉल्यूमिनस होती है, बट यू हैव टू यूज इट कंसिस्टेंटली। फॉर द नेक्स्ट स्टेप मैं यूज करूंगी लिप स्क्रब। हमें से बहुत लोग होंगे जो सिर्फ विंटर्स में ही लिप केयर करते होंगे, बट आपको समर्स में भी इनकी इतनी ही केयर करनी चाहिए। अच्छे से स्क्रब कर लेने से हमारे जो लिप्स में जितनी भी डेड स्किन सेल्स वगैरह होती है वो रिमूव हो जाती है, और उसी के साथ में जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो इंक्रीज करता है ये, जिससे कि हमारे लिप्स हैं वो इंस्टेंटली सॉफ्ट एंड पिंक लगते हैं। उसी के साथ में ही जिनको भी पिगमेंटेड लिप्स या फिर डार्क लिप्स की प्रॉब्लम है वो भी ये सॉल्व कर देगा। सो आई रिकमेंड कि आप लिप स्क्रब वीक में एक बार जरूर करो। उसके बाद मेरा फेवरेट, मैं लिप ऑयल यूज करती हूँ, सो दैट जो स्क्रब के बाद है मेरे लिप्स वो ज्यादा ड्राई ना हो। नेक्स्ट स्टेप इज टू प्रायोरिटाइज स्किन केयर। नाउ आई नो समर्स में इतने सारे स्किन केयर स्टेप्स को फॉलो करना बहुत ही मुश्किल होता है, इसीलिए मैं यूज करती हूँ एक 3-in-1 प्रोडक्ट। ये है द फेस शॉप की 3-in-1 सनस्क्रीन। इसमें सीरम, मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन भी आपको मिल जाती है विद SPF 50। तो आप बहुत ही इजीली सारे स्किन केयर प्रोडक्ट्स को स्किप करके इस सिंगल प्रोडक्ट पर इन्वेस्ट कर सकते हो। इसको यूज करने के बाद ये मेरे फेस को एक ग्लोइंग इफेक्ट भी देता है, विच आई लव। सैगी एंड ड्रूपी फेस बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं लगते हैं। एंड टू स्कल्प माई फेस मैं यूज करती हूँ ये LED फेस लिफ्ट डिवाइस। ये प्रोडक्ट फेस को मसाज के साथ साथ बहुत सारे स्किन केयर प्रॉब्लम्स को भी क्योर करता है। सबसे पहले मैं यूज करती हूँ इसमें रेड LED, जो कि हमारे कोलाजन प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है। उसी के साथ में इसमें है एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज। इसी के साथ में इसमें ब्लू LED भी है फॉर पिंपल्स एंड ब्लेमिशेस। इस प्रोडक्ट की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि जैसे ही आप इसको अपने फेस पे टच करते हो तो ये वाइब्रेट भी होता है, जिससे कि इसका इफेक्टिवनेस और ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट मैं ग्रीन LED भी यूज कर रही हूँ, बिकॉज एज यू कैन सी कि मेरे चीक पे एक डार्क स्पॉट हुआ है, तो उसी को क्योर करने के लिए मैं यूज करती हूँ ये ग्रीन LED। नेक्स्ट स्टेप इज टू ऑलवेज स्टाइल योर हेयर अकॉर्डिंगली। हेयर स्टाइल आप कुछ भी करो, बट मेक श्योर वो ग्रीजी या फ्रीजी से नहीं लग रहे हो, बिकॉज वो बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं लगता है। नाउ ऑन टू द फ्रेग्रेंस, मैं यूज करती हूँ माई ऑल टाइम फेवरेट विक्टोरिया सीक्रेट का बेर वेनिला बॉडी मिस्ट। इसकी फ्रेग्रेंस को और ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए मैं सेम फ्रेग्रेंस वाला बॉडी ऑयल यूज करती हूँ फ्रॉम प्लम गुडनेस। दोनों को मिक्स करके मैं अपनी पूरी बॉडी में इसको अप्लाई कर लेती हूँ। इस स्टेप को फॉलो करने से आपकी बॉडी में पूरे दिन फ्रेग्रेंस रहती है। उसके बाद मैं यूज करती हूँ मेरा फेवरेट लिप ग्लॉस फ्रॉम एल्फ कॉस्मेटिक्स, विच कॉम्प्लीमेंट्स मी द बेस्ट। एंड एक्चुअली में ये एक प्लम्पिंग ग्लॉस है, तो ये अप्लाई करने के बाद आपके लिप्स थोड़े पाउटी से लगते हैं। लास्टली टू कम्प्लीट माई लुक, मैं पहनती हूँ मेरी फेवरेट ज्वेलरी पीस, जो कि मैंने अमेजोन से लिया था। ये इंस्टेंटली पूरे लुक को एलिवेट कर देता है। तो वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू। इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, देन डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।